नमस्कार दोस्तों, करंट नॉलेज में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले अपडेट्स आपको रेगुलर मिलते रहें। दोस्तों, आज हम 26 फरवरी 2019 का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में फैग मिल ने भारत की चौथी सफ़ेद सीमेंट संयंत्र परियोजना की स्थापना के लिए कौन से राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी मुंबई। इसका सही आंसर है ए हिमाचल प्रदेश। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? अपने विविधता कार्यक्रम के अंतर्गत FCI अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड ने 605 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत में हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में नोहराधार गांव के नज़दीक सफ़ेद सीमेंट का एक संयंत्र स्थापित करने के लिए एक परियोजना शुरू की है। यह देश का चौथा सफ़ेद सीमेंट संयंत्र होगा। ये देश का कौन सा है? चौथा। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में कौन से राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना शुरू की है? ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी मुंबई। इसका सही आंसर है ए मध्य प्रदेश। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ। कमलनाथ ने फ्लैगशिप योजना मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना शुरू की है। यह आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के शहरी युवाओं को हर वर्ष 100 दिनों के रोजगार की गारंटी देता है। योजना के तहत 100 दिनों की अवधि के दौरान युवाओं को प्रतिमाह 4,000 रुपये का वजीफा दिया जाएगा। उन्हें स्वतंत्र होने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। केवल वे युवा जिनके परिवार की वार्षिक आय 2,00,000 रुपये से कम है और जो 21 से 30 वर्ष आयु के हैं योजना के लिए पात्र होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में गांधी शांति पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किए गए हैं? ए राष्ट्रपति के द्वारा, बी प्रधानमंत्री के द्वारा, सी रक्षा मंत्री के द्वारा। इसका सही आंसर है ए राष्ट्रपति के द्वारा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? 1995 में महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के अवसर पर स्थापित यह वार्षिक पुरस्कार व्यक्तियों और संस्थानों को अहिंसा और अन्य गांधीवादी तरीकों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन के लिए उनके योगदान के लिए दिया जाता है। पुरस्कार में एक करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार, एक पुस्तक में एक प्रशस्ति पत्र होता है, एक पट्टिका और एक पारंपरिक हस्तकला वस्तु शामिल है। क्वेश्चन नंबर 4, पीएम मोदी ने 40 एकड़ के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया है? ए नई दिल्ली में, बी मुंबई में, सी हैदराबाद में। इसका सही आंसर है ए नई दिल्ली। युद्ध स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। इसका उद्घाटन पीएम मोदी जी ने किया है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? उन्होंने ड्यूटी के दौरान शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पत्थर की ऑबेलिस्क के नीचे स्थित लौ जलाई। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कैनोपी के पीछे इंडिया गेट परिसर में 40 एकड़ में फैला 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान मारे गए सैनिकों को और 1947 में भारत पाक युद्ध, 1965 और 1971 में सिरी में भारतीय शांति सेना के संचालन, 1999 में लंका और कारगिल संघर्ष में और संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों के लिए समर्पित है ये युद्ध स्मारक। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? 42 मीटर ऊंचा इंडिया गेट ब्रिटिश राज के दौरान प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1928 और तीसरे एंग्लो अफगान युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को सम्मानित करने के लिए अखिल भारतीय युद्ध स्मारक आर्क के रूप में बनाया गया था। इंडिया गेट इनकी याद में बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये हैं GR कार्तिकेन, नारायण कार्तिकेन जी के पिताजी हैं GR कार्तिकेन। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? भारत के पहले फॉर्मूला 1 ड्राइवर नारायण कार्तिकेन के पिता GR कार्तिकेन के FMSCI वार्षिक पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। FIA के अध्यक्ष कौन है? जीन टॉड इस समारोह के मुख्य अतिथि थे और उन्होंने यह पुरस्कार प्रदान किए। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारत बांग्लादेश संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रति 2019 कहाँ आयोजित किया गया? ये बांग्लादेश के
तांगले में, बी भारत के नई दिल्ली में। इसका सही आंसर है ए बांग्लादेश के तांगले में। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अभी भारत बांग्लादेश रक्षा सहयोग के हिस्से के रूप में 2 मार्च से 15 मार्च 2019 तक बांग्लादेश के तंगले में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रति 2019 आयोजित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में अमेजन के निदेशक मंडल में किसे शामिल किया गया, इंदिरा नुई को। ये भारत में जन्मी पेप्सिको के पूर्व सीईओ हैं, इंदिरा नुई। ऑनलाइन रिटेल दिग्गज अमेजन के निदेशक मंडल में शामिल की गई हैं इंदिरा नुई। स्टारबक्स के कार्यकारी रॉसलिन ब्रेवर भी अमेजन बोर्ड में शामिल हो गए हैं। सुश्री नुई लेखा परीक्षा समिति की सदस्य होंगी। वह अक्टूबर 2006 से अक्टूबर 2018 तक पेप्सिको की सीईओ थी। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में अफगानिस्तान ने T20 अंतर्राष्ट्रीय सर्वाधिक कुल कितने रन दर्ज किए हैं। इसका सही है ऑप्शन नंबर बी 278 रन। 278 रन सर्वाधिक अफगानिस्तान ने बनाए हैं इस बार। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट सीरीज जीतने वाला पहला एशियाई टीम कौन बनी है। इसका सही आंसर है ए श्रीलंका। श्रीलंका बनी है पहली दक्षिण एशियाई टीम। श्रीलंका की राजधानी क्या है, श्री जयवर्धने पुरा कोट्टे है। मुद्रा इसकी क्या है, श्रीलंकाई रुपया है। राष्ट्रपति कौन है, मैत्रीपाला सिरीसेना। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है, केपटाउन है। मुद्रा है दक्षिण अफ्रीकी रैंड है। राष्ट्रपति कौन है, सिरिल रामाफोसा। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में कांस इंटरनेशनल ओपन ट्रॉफी किसने जीती, अभिजीत गुप्ता ने। कांस इंटरनेशनल ट्रॉफी किसने जीती है, अभिजीत गुप्ता ने। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और जो भी हमारे चैनल पर नए आए वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।